नंबर वन, द हाउस ऑफ अबेंडेंट। आज की हमारी फर्स्ट वीडियो यूरोप के घर की है, जहाँ पर एक पर्सन को अपने एटिक से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, एंड जब वो क्यूरियस होकर उस जगह को चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, एंड वो सारी चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी बन गई थी। अगर आप सभी लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो क्लियरली ये शो अप हो जाता है कि जब वो पर्सन एटिक के गेट को खोलते हैं तो वहाँ उन्हें एक फिगर शो अप हो जाती है, जो क्लियरली किसी ईविल एंटिटी जैसी फील हो रही थी। एंड ये देखने के बाद से वो कैमरामैन, वो पर्सन एक मिनट भी वहाँ पर नहीं रुकते, एंड तुरंत वहाँ से निकलने का प्लान कर लेते हैं। वेल, आपके घर में ऐसा कुछ हो तो आप क्या करोगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर टू, राइडिंग इन टू हॉरर्स। ये वीडियो एक टिकटॉक यूज़र ने अपने अकाउंट पर डाली थी, जो कि रात को जंगल एरिया नॉर्मल बाइसाइकिल राइड वगैरह एंजॉय करने चाहती होती थी, बट उनके रास्ते में कुछ इस बार ऐसा रिकॉर्ड हो गया जो कि हमेशा के लिए उनकी नाइट राइड्स को रोक देता है, एंड हमेशा के लिए उनके लिए ये चीज एक बुरी नाइटमेयर भी बन चुकी थी। राइड के स्टार्टिंग में ऐसा सच कुछ फील नहीं होता, बट रैंडमली वीडियो में एक पॉइंट पर हमें एक स्पूकी फिगर शो अप होती है वीडियो के अंदर, जो कि बाइसाइकिल के जस्ट लेफ्ट में खड़ी हुई दिखाई देती है, एंड वो ह्यूमन तो बिल्कुल फील नहीं हो रही थी। एंड इतनी सुनसान जगह में किसी और ह्यूमन का ऐसे प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा एक अजीब बात भी हो सकती है। एक बार के लिए तो रिकॉर्डर ने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए तुरंत ही वहाँ से निकलने का डिसाइड करा, लेकिन घर वापस आने के बाद जब उन्होंने अपनी वीडियो को रिव्यू करा तो डेफिनेटली उन्होंने अपना रूट अगले दिन से चेंज कर लिया था। वेल, आपको क्या लगता है इस वीडियो में क्या चीज कैप्चर हो गई थी? दोस्तों, आपने डेफिनेटली एक पॉपुलर गेम द एविएटर के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, एंड अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ओड्स 96 की मदद से ये गेम खेली एंड मैसिव रिवॉर्ड जीता। अगर आपको भी मेरे जैसे इस गेम को एंजॉय करना है तो जस्ट साइन अप करो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, बट मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज़ कर लेना, इट्स दैट ईजी। ओड 96 के साथ रजिस्टर करने के बाद मैं डिपॉजिट करता हूँ, एंड एविएटर गेम शुरू करने के बाद मैंने सीधा इसमें 500 रुपीज़ डाले एंड प्लेन टेक ऑफ कर गया। नो वरीज, वन मोर ट्राई, एंड इस बार मैंने सही टाइम पर कैश बटन प्रेस कर दिया है, एंड यस, सी कितनी जल्दी मैंने ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज जीत लिए हैं, जिसको मैं विड्रॉ भी कर चुका हूं अपने बैंक अकाउंट में। इस गेम के एडवेंचर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड ऑड्स 96 पर जाकर उन प्लेयर्स के साथ जाकर जुड़ो जो ऑलरेडी अपनी उड़ान भर रहे हैं। एंड अगर आप 200% तक का वेलकम बोनस एंड 10 फ्री स्पिन्स एंड कुछ अदर पर्क्स भी मिस नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक का इस्तेमाल बिल्कुल कर लेना याद से। नंबर 3, द कर्स्ड प्लेस। ये वीडियो अर्बेक्स हिल नाम के एक इन्वेस्टिगेटर ने अपने चैनल पर अपलोड करी थी, जो कि अबैंडन्ड प्लेसेस को सर्च किया करते थे, एंड वो एक दिन ऐसे ही एक अबैंडन्ड जगह की सर्च में निकल जाते हैं, बट वहाँ पर उनको एक इतनी ज़्यादा टेरिफिक चीज़ होती हुई दिखाई देती है जो सबके होश उड़ा कर रख देती है। उस स्ट्रीट की इन्वेस्टिगेशन करते अचानक ही वो एक अबैंडन्ड चर्च में एंटर कर जाते हैं, एंड उसके बाद देखिए कि क्या चीज़ उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। स्टार्टिंग में बस कुछ आवाज़ें रूम के अलग अलग जगहों से सुनाई दे रही थी, जिसको सुनकर अर्बेक्सिल को लगा कि ये शायद किसी एनिमल वगैरह की हो सकती है, एज सच इन चीज़ों से डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आगे जो चीज़ इनके साथ हुई, इनके कैमरा में कैप्चर हुई, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेरिफिक थी, तो एक बार ध्यान से इसको भी ज़रूर देखना।
इन्वेस्टिगेशन के टाइम कैम रूम का गेट अपने आप खुद से क्लोज होता हुआ रिकॉर्ड हो जाता है एंड उसके कुछ ही देर बाद इस इन्वेस्टिगेटर को भी एक फिगर शो अप हो जाती है, जिससे डर के वो तुरंत वहाँ से भाग निकलने का प्लान करते हैं। एंड उससे कुछ ही टाइम बाद वहाँ रखा एक स्टैटिक कैम भी एक मूविंग फिगर रिकॉर्ड कर लेता है अपने अंदर। Sorry. I didn't know anybody lived there. आपके क्या कहने हैं इनकी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। नंबर 4, द स्पिरिट कॉलिंग। इस वीडियो का कोई एज सच सोर्स नहीं है, बट वीडियो से ये शो अप जरूर होता है कि एक घर में जहाँ एक पर्सन अपनी वाइफ के साथ रहता होता था, वहाँ पास्ट टाइम से जब उनकी कैट की डेथ हो गई थी, उसके बाद से पैरामल चीज़ें उनके घर को घेरना शुरू कर चुकी हैं। एंड मोस्टली वेल, जब वो अपने बेसमेंट वगैरह के अंदर जाते थे तब ये घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आवाज़ें भी आने लगती थी एंड उन्हें और भी ज़्यादा क्रीपी अकरेंसेज देखने के लिए मिलते रहते थे, जिनको उन दोनों ने सोचा मिलकर कि रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, ताकि इन फ्यूचर किसी की हेल्प भी उन्हें चाहिए हो तो उनके पास प्रूफ हो कि उनके साथ में हो क्या रहा है। एंड जब उन्होंने अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करना शुरू करी तो उनके कैमरा में बहुत क्रीपी क्रीपी इंसिडेंट्स कैप्चर हो रहे थे। Obviously, we've had this ghost for a while. Yeah, we've tried sage. We've tried all that. That's why we kind of made a joke out of it. But based on all of your advice, I have taken a couple of items that I've inherited from my family's 60-year business in Mexico, and I've inherited a lot of stuff. So one by one, I've been sticking a couple of things in this box in the basement. Now, when my wife said that she whistled today, and she heard something in the basement, so... I'm not really sure if I should. Ooh. We've been stacking up these boxes for the kids to sit and play with. Oh, jeez. Nope. We'll go down. Take a look. Hell, what that is. बेसमेंट में रखे हुए बॉक्सेस का इस तरह से फ्लोट करना, वो भी रैंडमली अपने आप से, काफी ज्यादा क्रीपी था। लेकिन अभी भी इनका ये हॉन्टेड सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। You guys are hearing that, right? Hello? Ever since our cat passed away, things have kind of been picking up. I'm not going back there. Hello? Damn it. Who are you? Get the hell out of here. Jeez. Dude. Stop. इनके रूम में मौजूद कबर्ड में से आवाज़ें आने लगती हैं एंड देन स्विंग्स का ऐसे मूव करना भी बहुत टेरिफाइंग था। बट इसी रात को जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल थी एंड काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग, इससे भी ज़्यादा आपको शायद लग सकती है। Yes. Hello. What is that? Who are you? I'm not gonna hurt you. Leave my lights alone. लाइट्स के ऐसे मेल फंक्शंस करने पर ओनर जब वहाँ जाते हैं तो उनको अपने बाथरूम के अंदर एक स्मॉल स्पूकी फिगर शो अप हो जाती है, जो कि पास जाते ही गायब हो गई थी।
वेल, आपके इस वीडियो के ऊपर क्या कहने हैं कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, फियर ऑफ अननोन। ये वीडियो भी एक टिकटॉक यूज़र ने अपलोड करी थी अपने टिकटॉक अकाउंट पर, जिसके अंदर वो बताती हैं कि एक रात अचानक 3 बजे के आसपास से उनको अपने गार्डन गेट पर से बहुत ज़्यादा कुछ नॉकिंग सुनाई दे रही थी, एंड वो उसको देखने के लिए विंडो पर जब जाती हैं तो उन्हें कुछ ऐसा देखने के लिए मिल गया था। स्टार्टिंग में उन्हें कुछ क्लियर नहीं दिखता, बट जैसे ही वो टॉर्च की हेल्प लेकर क्लियर देखने का ट्राई करती हैं तो उनको एक हेलो साउंड सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद से ये नॉकिंग उनके मेन गेट पर होने लग गई थी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या इस वीडियो के पीछे जस्ट कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन है, या फिर एक क्रीपी एंटिटी इनके घर में घुसने का वेट कर रही है? अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। नंबर 6, स्केयर्स फ्रॉम समथिंग्स। ये वीडियो 2008 में मैक्सिको में एक बंदे ने रिकॉर्ड करी थी, जब उन्होंने अपने ही एक पार्टनर को फेयरवेल देने के लिए एक पोल पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी अपने आसपास की जगह पर, एंड तभी वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि बाद में देखने पर उन सभी के होश उड़ा देता है। ये वीडियो उन्होंने बहुत टाइम बाद जब वापस देखी तो उनको गेट के पीछे से एक क्लियर हॉरिफाइंग फिगर शो अप होती हुई नज़र आती है, जो किसी को नहीं पता चला था कि उस टाइम पर उनके साथ में मौजूद थी। एंड इन सभी लड़कों के अकॉर्डिंग ये जगह जो उन्होंने चुनी थी इस फेयरवेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये शायद हॉन्टेड थी, क्योंकि उन्हें ऐसे रूमर सुनने को तो मिल रहे थे, लेकिन वो इस जगह को ही सिलेक्ट करना चाहते थे बिकॉज ऑफ इट्स एम्बियंस। तो क्या सच में ये जगह हॉन्टेड थी? एंड जो स्पिरिट या जो एंटिटी इस वीडियो के अंदर कैप्चर हो गई थी, क्या वो इन लड़कों को हार्म पहुंचाने के लिए वहां पर आई थी, या फिर जस्ट इनके बीच में अपनी प्रेजेंस थोड़ी बहुत फील करवाने इनको आई थी? वेल, आपको क्या लगता है? नंबर 7, द हॉरिफाइंग रियलिटी। आज की ये वाली वीडियो फेक रियलिटी नाम के एक टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड करी गई थी, एंड इस वीडियो में एक लेडी के घर के अंदर मौजूद एक गेट को कोई लगातार नॉक किए जा रहा था, एंड उसको लगातार अंदर आने के लिए कोई बोल रही थी, एंड वो चीज़ जब वो रिकॉर्ड कर रही थी तो उसके अंदर जो चीज़ें कैप्चर हुई हैं एंड वो जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर बहुत ज़ोर से ध्यान देना, क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत शॉक करने वाली हैं। Gabe, it's your mom. You should come out. You've been in there for so long. Gabe, come out. Then what's your name then?
गेट पर नॉक करने वाली लेडी खुद को उस टिकटॉक यूज़र की मॉम बता रही थी एंड उसकी आवाज़ भी बिल्कुल सेम सी लग रही थी उनके मॉम से, बट वो टिकटॉक यूज़र जानती थी कि उनकी मॉम नहीं है। एंड जब वो उस गेट के पास जाती हैं तो उस क्रीपी आवाज़ से ये क्लियर भी हो जाता है कि डेफिनेटली वो उनकी मॉम तो नहीं थी, एंड वैसे भी उनकी मॉम यहाँ पर रहती भी नहीं होती थी। तो अचानक से उनका ऐसे आ जाना वो भी एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। एंड इस वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि ये मे भी कोई इविल स्पिरिट थी जो कि इस टिकटॉकर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे ना कैसे वो इस गेट को खोल दे। वेल, अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कि इस वीडियो के अंदर हो क्या रहा था। बोनस वीडियो, द पोजेस्ट डिनर। ये वीडियो एक फैमिली डिनर के टाइम रिकॉर्ड करी गई थी जिसके अंदर कुछ ऐसा खौफनाक नज़ारा रिकॉर्ड हो गया था। उनकी डॉटर अचानक से ऐसे हरकतें करने लग गई थी मानो जैसे वो किसी ईविल स्पिरिट के पोजेशन में थी। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है या फिर इस वीडियो के पीछे की एक्सप्लेनेशन काफी सिंपलर है? व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट दैट? वेल, अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही हॉन्टेड एंड स्केरी वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप स्केरी पिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आगे आने वाली कोई भी हॉरर डोज आप मिस ना कर बैठो।